अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। आखिर स्वीडन ये सब करके क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है? अभी कुछ 5 महीनों पहले की बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए स्वीडन में एक मलून शख्स ने हमारे प्यारे कुरान पाक, जिसे हम अपनी जानों से भी ज़्यादा कीमती समझते हैं, इसकी बेहुरमती की। इस मलून शख्स ने तुर्किश एम्बेसी के सामने दीदा दिलेरी से कुरान पाक को आग लगा दी और फिर इसे स्वीडन की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बेहुरमती करने पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। इस वाक्य के बाद ये मालूम पड़ा कि ये हरकत स्वीडन की तरफ से इसलिए की गई थी क्योंकि तुर्किया ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत से खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन इसकी असली वजह तो ये थी कि स्वीडन में मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी और ये कि मुसलमानों को यहाँ रहने और पनाह देने और इमिग्रेशन क्यों मिल रही है। और ये जाहिर है कि इस्लाम के खिलाफ नज़र रखने वाले लोग इस बात से खौफ में हैं कि मुसलमानों की तादाद स्वीडन में बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों ये बात तो पिछले कुछ 6-5 महीनों पहले की है, लेकिन आज से तकरीबन सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही ईद उल अज़हा के दिन कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार स्वीडन में एक मस्जिद के बाहर हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद को एक मलून ने आतिश नजर कर दिया। स्टॉकहोम की पुलिस ने इराक से ताल्लुक रखने वाले इस शहरी को कुरान की बेहुरमती से इजाज़त देने से इनकार किया था, लेकिन स्वीडन की अदालत की तरफ से ये इजाज़त ना देने पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ वर्जी कहलाते हुए इस मलून शख्स को कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दे दी। और फिर स्वीडन की सिक्योरिटी पुलिस ने इस शख्स को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। इस हरकत पर वहाँ मौजूद मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। एहतजाज में मौजूद एक मुसलमान को पुलिस ने पत्थर फेंकने पर हिरासत में भी ले लिया। इस घिनौनी हरकत पर दुनिया भर के मुसलमानों ने स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया है और स्वीडन से बायकॉट का इकरार भी किया है। पाकिस्तान में भी कुरान पाक की इस बेहुरमती, इस घिनौनी हरकत पर शदीद मजम्मत की गई है। अगर स्वीडन की बात करें तो स्वीडन दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरअमन मुल्कों में शुमार किया जाता है। इसी के साथ साथ स्वीडन में सबसे ज़्यादा एथियस्ट रहते हैं। एथियस्ट यानी वो लोग जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, और ये वही लोग हैं जो अपने आप को तहजीब में सबसे बुलंद कहने वाले लोग हैं। तो मेरा और हम मुसलमानों का स्वीडन से सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या आपकी एडवांसमेंट, ये मॉडर्निज्म और आपकी ये लिबरल तालीम आपको क्या सिखाती है कि दूसरे मजाहिब के लोगों के नूरानी किताबों की बेहुरमती की जाए? क्योंकि हमने एथियस्ट और एथिज्म का असली चेहरा एक नहीं दो बार देख लिया है, और बेदीन लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह ताला हमें दुरुस्त रास्ता दिखाए और हमें हदायत नसीब करे।